नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है बूंदी से, जहां जिला कलेक्टर रेणु जयपाल द्वारा अचानक बूंदी सामान्य चिकित्सालय में आग लगने की मॉक ड्रिल करने से मचा हड़कंप। पूरा जिला प्रशासनिक अमला पहुंचा जिला चिकित्सालय बूंदी। मॉक ड्रिल के दौरान पाई गई कई खामियां, पानी के कनेक्शन बंद पाए गए, आग बुझाने के सभी यंत्र बंद पाए गए, पाइप को चेक किया तो पाइप सील पैक बंधे हुए थे। ऐसी अव्यवस्थाओं को देखकर जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने जताई गहरी नाराजगी। मौके पर पीएमओ राकेश तनेजा को सुनाई खरी खरी। मरीजों को लाने ले जाने के लिए स्ट्रेचर भी लाने में असमर्थ दिखा अस्पताल प्रशासन। पुलिस अधीक्षक जय यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल, शहर कोतवाल सहदेव मीना सहित भारी पुलिस जाप्ता मौजूद रहा। जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को देखकर जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर करतार सिंह को जल्द ही फिर से मॉक ड्रिल करने के दिए निर्देश। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने पत्रकारों से कहा कि आज मॉक ड्रिल में पाई गई खामियों का पीएमओ व संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। बता दें कि कल ही ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज का अंधेरे में ऑपरेशन किया गया था, जबकि जिला चिकित्सालय में जनरेटर मौजूद है लेकिन जनरेटर चालू नहीं किया गया था, जिसकी न्यूज मीडिया में प्रमुखता से छपने के बाद आज अचानक जिला चिकित्सालय पहुंची थी जिला कलेक्टर रेणु जयपाल। मीडिया में चलाई गई जिला चिकित्सालय की खामियों की खबरों पर लगी 100% मुहर। हड़कंप मचा हुआ था, अस्पताल प्रशासन सोया हुआ था, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इसमें की व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, मॉक ड्रिल इसीलिए की गई है ताकि पता पड़ सके कि हमने क्या क्या कमियां हैं, जो इनका फायर का जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा वो बंदा ना तो सही टाइम पे चाबियां लाया, ना इनका ये फायर सिस्टम चला। उसके लिए भी हम साहब को निर्देश दे दिए हैं कि फायर वाला जो ये कॉन्ट्रैक्ट जिसको दे रखा है उसको करके ढंग से और फायर ऑडिट करके इन सभी इंस्ट्रूमेंट को चेक करें। मॉक ड्रिल में क्या अस्पताल प्रशासन फेल रहा है, क्या क्या कारण सामने आए?
ये इसलिए पेड़ रहा क्योंकि इन्होंने पहले इनको चेक नहीं किया इंस्ट्रूमेंट को, कि एक इन्होंने टाइम चेक नहीं किया कि कब तो मशीन चल रही होगी, कितनी देर में ये शुरू होगा, प्लस चाबियां जो थी ये फायर इंस्ट्रूमेंट की वो सही जगह नहीं रखी हुई थी, ना इनका स्टाफ उपलब्ध था जो कि स्ट्रेचर टाइप पे उपलब्ध कराएगा और पेशेंट को चेक क्या कार्रवाई की जाएगी, नियमों से आपका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, ये सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। थोड़ी होता है वो काम, ऐसा जब कागजों में पड़े रहो एक दिन आग लगेगी तब तुरंत कंट्रोल रूम में सबको मैसेज कर दिया, जो जो विभाग थे जिससे संबंधित थे पुलिस कंट्रोल रूम से उनको मैसेज कर दिया, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, हमारे पुलिस का जाप्ता, आरएसी का जाप्ता, सब मौके पर तुरंत पहुंच गए, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के भी लोग यहां पर पहुंच गए, सिविल डिफेंस वालों को भी बुलाया गया, और जो अस्पताल प्रशासन था और फायर के जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जो आग बुझाने के लिए उनको भी बुलाया गया। कुछ कमियाँ पाई गई कि आग बुझाने के जो इक्विपमेंट थे उनको काफ़ी समय से इस्तेमाल नहीं कर रखा, उनकी चाबी और पानी की जो व्यवस्था है, जो वहाँ पानी आएगा उसकी व्यवस्था जो होनी चाहिए उस लेवल की नहीं थी, और जो हमने स्ट्रेचर थे उनको भी यूज़ करने के लिए वॉच बॉय जो थे तुरंत उन्होंने एक्शन नहीं लिया इसके अंदर, और जो सिविल डिफेंस वाले आए थे उनके पास भी जो खुद तो आ गए लेकिन जो इक्विपमेंट लाने थे वो लेके नहीं आए, और हमारे जो हीट रेजिस्टेंट सूट होता है उसकी भी कमी थी, तो कलेक्टर साहब और हमने डिस्कशन करा है कि उनकी पूर्ति जल्दी करेंगे और दोबारा से इनका चेक कराया जाएगा, एडीएम साहब और इनकी दोबारा व्यवस्था चेक करेंगे ताकि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे और तुरंत कोई भी ऐसी घटना होती है उसको तुरंत एक्शन लिया जाए और जो घटना हुई है उसको आगे।